तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क 29 में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप वाटर लेवल से ओरिएंटेशन मार्किंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये आज आपको मैं बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रेशर वेसल का काम करते हैं या वर्टिकल वेसल बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं, कुछ भी प्रेशर वेसल का काम करते हैं, तो उसमें आपको जो ओरिएंटेशन होता है सेल पे, यानी जॉब पे, वेसल पे जो ओरिएंटेशन मार्किंग होता है वो वाटर लेवल करने के बाद ही किया जाता है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो क्यूसी से चेक कराने में या क्लाइंट से चेक कराने में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका जो वेसल है, प्रेशर वेसल है, उसमें कितना सेल आता है, मतलब यहाँ पर मैं बस आपको एक सेल दिखाया हूँ मार्किंग करने के लिए, एक सेल के बारे में बताऊँगा। अगर आपके जॉब में जो है एक सेल, दो सेल या तीन चार ऐसे ज़्यादा सेल हैं, तो आप पूरा फिटअप होने के बाद ही वाटर लेवल मार्किंग करें, तो ये ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा आसान होता है, आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि ये मेरा एक सेल का जॉब है, एक सेल का ये वेसल है, तो इसको वाटर लेवल से कैसे मार्किंग करेंगे ये आपको आज बताऊँगा। तो दोस्तों, सेल जो है वेल्डिंग के बाद जो है इसमें लॉन्ग सिम का वेल्डिंग होता है, और वेल्डिंग के बाद जो है इसमें ओवलिटी आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ये अपने रेडियस या डायमीटर में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो है आप स्पैडर लगाएं, स्पैडर बना के लगाएं, इसका जितना भी आईडी है उस हिसाब से आप स्पैडर बनाएं, उसके बाद इसमें दोनों साइड जो है फिट करें। इस तरह से दोस्तों स्पैडर बना के जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से स्पैडर बना के जो है इसके आईडी में फिक्स करें और दोनों साइड में ये फिक्स करें, ताकि आपका ओवलिटी जो है एकदम बराबर हो जाए। अगर आपका सेल में जो है ओवलिटी रहेगा करीब 10 से 15 एमएम या 15 से भी ज़्यादा एमएम रहेगा, तो आपका वाटर लेवल जो है ये बराबर मार्किंग नहीं कर पाएगा, या आप बराबर मार्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो है स्पैडर डालने के बाद आप अपने मेजरिंग टेप से दो तीन जगह पे जो है मेजरमेंट ले लें बराबर, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपका जो है डायमीटर बराबर हो गया है, ओवलिटी निकल गया है या नहीं। तो ऐसे आपको जो है कन्फर्म हो जाना है दो तीन जगह पर चेक करके, कि आपका स्पैडर डालने के बाद जो है एकदम बराबर हो गया है सेल, ओवलिटी बिल्कुल नहीं है, ओवलिटी बिल्कुल निकल गया है। स्पैडर डालने के बाद दोस्तों आपको जो है लॉन्ग सिम को कितना डिग्री में दिया हुआ है ड्राइंग में वो चेक करना है। तो मान लीजिए लॉन्ग सिम को आपका दिया है 315 डिग्री या 45 डिग्री, तो वहाँ पर पहले लिख देना है 45। उसके बाद देखना है कि आपको क्लॉक वाइज जाना है या एंटी क्लॉक वाइज जाना है। कभी कभी ड्राइंग में जो है एंटी क्लॉक वाइज भी देता है, अक्सर जो है क्लॉक वाइज ही देता है। तो वो देखना है आपका ईस्ट साइड से दिया है या व्यू ईस्ट साइड से दिया है। तो मान लीजिए कि आपका व्यू ईस्ट साइड से दिया है और ये आपका जो है जॉइंट हो गया, तो यहाँ पर आप 45 लिखेंगे। उसके बाद आप सेल का जो है सर्कमफ्रेंस निकालेंगे मेजरिंग टेप से, उसके बाद उसमें डिवाइड करेंगे 360, तो आपका 1 डिग्री का जो है मान आएगा। उसके बाद यहाँ से आप 45 डिग्री मल्टीप्लाई करके 1 डिग्री जो आएगा मान, उसमें 45 इंटू करेंगे तो आपका 45 आएगा। तो आपको जो है यहाँ पे एक लाइन मार लेना है, या तो एक पॉइंट बस मारेंगे तो भी काफ़ी है। तो सर्कमफ्रेंस के हिसाब से दोस्तों जो है आपका 0 यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से आप जो है सेल का जो सर्कमफ्रेंस है उसमें 4 डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 90, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 180, और यहाँ पर चौथा लाइन जो आ जाएगा 270 का। इस तरह से आप दोनों साइड जो है पॉइंट मार दें, ये साइड में भी और ये साइड में भी। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपने टेम्प्रोरी लाइन मार दिया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट है आपका, और ये आपका 0 हो गया, ये आपका 90, और ये 180, और ये 270। तो इस तरह से आपने टेम्प्रोरी लाइन मार दिया है। अभी आपको वाटर लेवल चेक करना है, वाटर लेवल आपका बराबर है या नहीं। तो वाटर लेवल पाइप जो है दोस्तों उसमें पानी या बराबर भरें, उसमें बिल्कुल भी एयर ना होना चाहिए, और जो है पाइप को जो है 3-4 इंच छोड़ दें खाली, ताकि आपको देखने के लिए इजी रहे। तो यहाँ पे 2-3 इंच बिलो मैंने लिखा हुआ है, 2 और 3 इंच बिलो रखना है पानी को, और इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होना चाहिए, बबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी जाएं, दो आदमी से आपको दो आदमी लगेंगे, दोनों साइड में एक एक आदमी पकड़ना पड़ता है वाटर लेवल, तो इस तरह से आप दबा के जाएँ ताकि आपका पानी जो है गिरे ना। तो इस तरह से आप दबाने के बाद जो है मेन लाइन पर जाएँ, वहाँ पर आप अंगूठे को हटा सकते हैं, पाइप को छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो पानी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा और आपका वाटर लेवल जो है मार्किंग गलत हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो वाटर लेवल का पाइप है, होस जो पाइप है आपका, वो कम से कम 1/2 इंच का होना चाहिए, तो आपको जो है देखने के लिए आसानी रहता है। और ये ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए, ये बराबर ज़मीन पर जो है टच होना चाहिए, तभी आपका जो है स्थिर रहेगा पानी, ज़्यादा हिलेगा नहीं।
तो आपका लेवल जो है होस पाइप आपका इस तरह से होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ज़मीन पर टच होना चाहिए, तो आपका जो है एकदम परफेक्ट जो है बताएगा, हिलेगा नहीं। तो आपने एक आदमी को यहाँ पकड़ लेना है और दूसरे को जो है यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे या तो एक ही आदमी मिलाएगा, या तो ये आदमी मिलाएगा, या तो यहाँ पे दूसरा आदमी जो उसके साथ में है वो मिलाएगा लाइन पे। तो एक आदमी यहाँ पे लाइन पे मिलाएगा, अगर यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है तो आपको धीरे धीरे जो है रोल सेल को घुमाना है। जैसे ही ये लाइन दोनों मैच हो जाता है उस पर आपको रुक जाना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको जो रोलर है उसे लेवल रखना है। आप एक लाइन मारने के बाद जो है सेल को यहाँ से यहाँ तक पकड़ के वाटर लेवल रोलर को जो है कुछ पैकिंग डाल के इसे लेवल कर लें। तो सबसे पहले आपको एक सिरे पे जो है वाटर लेवल करना है। यहाँ पे एक आदमी मिलाएगा और यहाँ पे देखना है, जैसे जैसे आपको घुमाना जितना उतना घुमा के सेल को मैच कर लें, दोनों लाइन एकदम मैच कर लें। उसके बाद जो है आपको ऊपर और नीचे का लाइन चेक करना है। और अगर आपका रोलर जो है एकदम लेवल पर रखा हुआ है, आपने पहले ही आपने लेवल कर लिया है रोलर को, तो आप एक पॉइंट यहाँ मिला के और उसका डायगोनल भी चेक कर सकते हैं वाटर लेवल से। ऐसे आप बड़े कंपनी में कहीं काम करते हैं तो QC या क्लाइंट जो है ज़रूर चेक करते हैं इस तरह से वाटर लेवल। और आपने पहले इस सिरे पे वाटर लेवल किया, आपका अगर नहीं मिल रहा है तो आपने सेल को घुमाया और उसे लेवल किया। उसके बाद आपने डायगोनल चेक किया, एक वाटर लेवल यहाँ पे पकड़ना है, एक पाइप का सिरा यहाँ पकड़ना है और दूसरे पाइप का सिरा जो है उस साइड में पकड़ना है, तो वो भी आपका एकदम बराबर है, लेवल है, रोलर बराबर है आपका और सेम है, OLT नहीं है, तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। उसके बाद आपका जो बचता है 2 डिग्रियाँ, यानी आपने 0 और 180 को चेक कर लिया, बराबर हो गया। उसके बाद आपको 90 और 270 को चेक करना है। तो यहाँ पे करने के बाद दोस्तों इसको सेल को हिलाना नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं करना है अभी। और ऊपर जाके आपको लाइन डोरी जो है लाइन पे मैच करके नीचे प्लम छोड़ना है, तो उस वो भी जो है आपका एकदम परफेक्ट आएगा अगर आपने सेल को लेवल रखा है तो। तो इस तरह से दोस्तों वाटर लेवल से मार्किंग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका सब पॉइंट जो है बराबर आ रहा है, तो ये लाइन को आप जो है पक्का कर सकते हैं। लाइन आप मारने के बाद इससे सेंटर पंच मार दें ताकि ये आगे तक चलती रहे। आपको स्टार्टिंग से जो है सेंटर पंच मार रखना पड़ेगा ताकि ये कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको QC को दिखाने के लिए या क्लाइंट को दिखाने के लिए। और उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।